वेलकम टू द बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जुलाई महीने में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो 3 ODI और 3 T20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है, वो 3 ODI और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए टीम इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ओके, तो इस वीडियो पे हम जानेंगे कौन से खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया और कौन से खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया गया। तो सबसे पहले बात यह कि टोटल 20 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया और उन 20 खिलाड़ी को कप्तान जो है कप्तान बनाया गया लीजेंडरी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शिखर धवन को। टीम का वाइस कप्तान अनाउंस किया BCCI ने भुवनेश्वर कुमार को। कप्तान शिखर धवन और वाइस कप्तान भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के और 18 खिलाड़ी को चुना गया। तो और 18 खिलाड़ी कौन कौन हैं? सबसे पहले शिखर धवन, फिर भुवनेश्वर कुमार, फिर पृथ्वी शो, फिर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, संजू सैमसन, मनीष पांडे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सलामी बल्लेबाज देवदूत पाडिकल को मौका मिला है। स्क्वाड का हिस्सा ऑलरेडी बन गए हैं देवदूत पाडिकल। चेन्नई सुपर किंग्स का सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम आया है स्क्वाड में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी ऋतुराज गायकवाड़ एंड देवदूत पाडिकल इन द स्क्वाड। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, हाँ भैया श्रेयस अय्यर टीम में शामिल नहीं हो पाए, वो अभी भी अनफिट है, अनअवेलेबल है। इसीलिए नीतीश राणा जो इतना वक्त से मौका का तलाश में है, नीतीश राणा को आखिर स्क्वाड में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉल मिल गया है। स्क्वाड का हिस्सा बन गए है नीतीश राणा। ऑलराउंडर कृणाल पांड्या स्क्वाड में है। वेरी हैप्पी टू से कृष्णप्पा गौतम जो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, ही गॉट सिलेक्टेड इन द स्क्वाड। कृष्णप्पा गौतम रिसीव्ड हिज मेडन कॉल अप टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। स्क्वाड में नाम आया है स्पिनर युजवेंद्र चहल, उनके साथ साथ कुलदीप यादव। इस टूर में शायद हम कुलचा को फिर एक बार साथ साथ गेंदबाजी करते हुए मैदान पे देखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स का मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी मौका मिला है स्क्वाड में। भुवनेश्वर कुमार तो है ही, उनके साथ साथ दीपक चाहर भी टीम का हिस्सा बनेंगे। दीपक चाहर का नाम भी स्क्वाड में आया है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है चेतन सकारिया जो खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए सन 2021 IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनका भी नाम स्क्वाड में आया है चेतन सकारिया। स्पीड मास्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम नवदीप सैनी का नाम भी स्क्वाड में आया है। ओके, अब अगर नेट बॉलर्स की बात किया जाए तो वहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का खिलाड़ी संदीप वॉरियर को मौका मिला है। पंजाब किंग्स का खिलाड़ी ईशान परेल, पंजाब किंग्स का फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह और एक खिलाड़ी सिमरजीत सिंह को भी चुना गया नेट बॉलर्स की तरफ पर। चेन्नई सुपर किंग्स का स्पिनर साई किशोर को भी एज ए नेट बॉलर चुना गया। ओके, आप बात करते कुछ इंपॉर्टेंट बात और कुछ हैरानी और परेशानी की बात यह है भैया, श्रेयस अय्यर अभी भी अनफिट है, टी नटराजन अभी भी अनफिट है, इसीलिए दोनों का इंजुरी के चलते वो दोनों IPL से बाहर हो गए थे। और अब जुलाई महीने में ये टूर होने जा रहा है, स्टिल बोथ ऑफ देम आर अनअवेलेबल। ओके, और फाइनली ये बात करना चाहूँगा, और 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन लोगों को मुझे लगता है सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन 20 खिलाड़ी का स्क्वाड आया है, मेरे हिसाब से 22 आना चाहिए था, लेकिन 22 खिलाड़ी अगर होते तो शायद ये दोनों नाम भी हम देखते। एक नाम है राहुल तिवाटिया जिन्होंने IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और दूसरे नाम है कार्तिक त्यागी।